Hey guys, मेरा नाम है चिकी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंग गेमर्स। तो गाइज आज हम करने वाले हैं मिशन नंबर 19 विद नन अदर देन अवर माइकल। तो गाइज लस से बहुत देर से परेशान कर रहा फोन लगा के, चलो उठा ही लेते हैं। अपने गाड़ी थमने में देख लिए तो जाओ, पहचान लिए तो जाओ, कमेंट करो फटाफट जाओ और वीडियो को फटाफट लाइक करो, तभी मैं गाड़ी दिखाऊंगा। इन जस्ट 3, 2, 1 चलो फोन भी उठाते हैं और गाड़ी भी दिखाते हैं। Hey Lester. Mike. Hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. तो गाइस ये है गाड़ी रेंज रोवर वेलार, ठीक है, ये नया मॉडल है, 2019 मॉडल है। तो गाइस गाड़ी जो है हमने इंपोर्ट करवाई हुई है जर्मनी से और शुरुआत करते हैं हम मिशन नंबर 19 विद माइकल। तो गाइस ये देखो ये है हमारी रेंज रोवर वेलार, ठीक है, रेंज रोवर की प्रॉपर ब्रांडिंग। और अगर कोई है जो हमारा हमसे पूछेगा कि रेंज रोवर लैंड रोवर में क्या अंतर है, तो गाइस दोनों ही सेम गाड़ी है, दोनों ही सेम कंपनी की गाड़ी है, ठीक है, इसमें तो कोई भी अंतर नहीं है। तो गाइस हमें जाना है हमारे बी पर, ये हमें जाना है ये बी पर, यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट बी पे या बीच में आपको। गाइस यहाँ से भरवाते हैं हम फ्यूल, ठीक है, यहाँ पे मिलता है ऑक्टेन 97 मिलता है यहाँ पर। वेल 97 एक नाम है पेट्रोल का, ये पेट्रोल कार है। वेल मुझे एक डॉग को छोड़ना है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे हमारा ये मेरा होटल है, यहाँ पर मैं रुकूँगा 5 मिनट। तो गाइस जैसे कि मेरा काम हो चुका है और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुका है, तो चलते हैं गाइस हमारे बी पर। और गाइस मैंने बोला था वर्कर्स को गाड़ी धो देना, तो गाइस उन्होंने ढंग से धो दी है गाड़ी। अब जैसे कि देख सकते हो इतनी प्यारी शाइन मार रही गाइस गाड़ी, गाइस यही ओ गाइस हमारे माइकल की बेटी का फोन आ रहा है। Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck, you really are. You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! तो गाइस जैसे कि आपने अगर कल का अगर एपिसोड देखा होगा तो क्या हुआ था, जिसमें हम रोल्स रॉयस से आए थे। तो गाइस नहीं देखा तो फटाफट से आए के बटन पे जाके देख लो। तो गाइस हुआ ये है कि हमारी जो ट्रेसी है वो जा रही थी फेम और शेम और हमने मना कर दिया उसे। वेल मैं आपको पूरी इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा, आपको जाके देखना पड़ेगा। ऊपर आए हुए आए के बटन पे क्लिक कर दीजिए और जाके देख लीजिए। और आई गेस हम लोग पहुंच गए हैं प्रेसिडेंट हाउस। हाँ गाइस ये यहाँ का प्रेसिडेंट हाउस है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि हम हमारी गाड़ी भी ले जा सकते हैं अंदर, बट साइड से ले जा सकते हैं, हम एकदम बीच से नहीं ले जा सकते। तो गाइस मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से कार ले जाने का रास्ता कहाँ से है। वेल ये रहा रास्ता, मुझे मिल चुका है यहाँ पे, बस मेरी गाड़ी टकराए ना, क्योंकि रेंज रोवर अभी आई है नई जर्मनी से। ओके फाइनली यहाँ पर हम गाड़ी हमारी खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट की भी गाड़ी कभी कभी खड़ी होती है। तो गाइस चलते हैं हम जल्दी से बी पे,
Mighty Brave ke paas. Davy, how you doing? About as good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. So guys, ये जो एपिसोड चल रहा है, ये है बात हमारी हेस्ट की, जब हमने हेस्ट करी थी. और आपने अगर एपिसोड नंबर 12 नहीं देखा है तो जाके फटाफट देखो गाइस. उस एपिसोड से हमने काफी कुछ सीखने के लिए मिला था कि कौन से दोस्त काम आए थे और कौन से नहीं. तो गाइस ट्रेवलर्स में नहीं था, जाके फटाफट देख लो. मैं आई पे छोड़ दूंगा लिंक. सबको जाना है आई पे और क्लिक करना है, आप मिल जाओगी, आपको मिल जाएगा लिंक. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Oh, guys, ये क्या कर रहा है यार इसने? Guys, ये तो सीन नहीं पता था मुझे. I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Guys, ये तो बहुत घातक सीन हो गया, guys. What we got? कि ये क्या हो रहा है? White male, overweight, in his late 40s, hustle coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. हमारे आसपास कुछ डॉक्टर्स टाइप से दिख रहे हैं. Jesus! Get back from the dead, motherfucker! तो गाइस, जो हमारा दोस्त था उसने हमें दिया धोखा. गाइस, हमें उसने पहुंचा दिया हॉस्पिटल में. FBI का हॉस्पिटल है ये. Might be in the other room. Guys, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या क्या रहा है. You wanna end up on the slab? Guys, हमें जाना है धीरे से और देना इस पे. Guys, हमें यहाँ से बॉडी देखनी है. मुझे समझ में नहीं आ रहा, माइकल को उसने मारा और फिर भी माइकल उसकी हेल्प कर रहा है. Guys, ये डेव है, ये इसने हमें मारा था. I found the toe tag, Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Hey! Oh my god! Shit, guys. Prepare to be amazed! And then... तो guys, अब तो भसड़ मच गई है, तो हमें मचाना ही पड़ेगी भसड़. Trust me! I'm not interested in the truth! Guys, well, मुझे ये जानते नहीं होंगे पर्सनली, मैं शूटिंग में बहुत माहिर हूँ. मैं क्रिस्टल से इन सबकी बैंड बजा रहा हूँ. तो गाइस, मैंने हेडशॉट ले लेके इनकी सबकी बैंड बजा दी है. भाई यार, तेरे को भी चाहिए क्या हेडशॉट? ले, तू भी खुश रहे, तू भी काम से पंगा ले रहा है सीधा सीधा माइकल से. गाइस, ये ऐसे ये बंदे FBI में काम कर रहे हैं, मुझे तो देख के शर्म आ रही है. तो वेल गाइस, हमें जाना है ऊपर. हर्स ऊपर जाना भाई, देखो कुछ नहीं करेंगे हम, चिंता नहीं. ओके,
वेल हमें जाना पड़ेगा स्टेयर्स से। सो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है containment. It's all a big misunderstanding. Oh guys, बहुत गंदी जगह लग गई शायद इसको। हाँ भाई याद है यार, क्या मतलब रहा यहाँ पे, हमने खून खून शून शून कर दिया। ओके वेल चलते हैं हम ऊपर पहले पहले, फिर बाद में इन सब की बातें करेंगे। अरे यार तुम लोग क्यों समझ नहीं आ रहा क्या, समझ नहीं आ रहा क्या सीधा। चलो मैं तो तुम लोग को पिस्टल से ही हरा दूंगा यार, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। Escape through windows. Where are the windows? Okay. ये लोग ना माइकल को बहुत हल्के में ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं। तो गाइस हमें यहाँ से ऑब्जर्व कैरी में से हमें लेने ही है बैग्स, इन बैग्स में कुछ कमाल का था। ओके गाइस हमें यहाँ से स्केप होना पड़ेगा। तो गाइस मेरी जो वेल्लार थी वो शायद हो गई है चोरी, अब मुझे लेके जाना पड़ेगी ये वेल्लार की बहन। गाइस मैं इसे तोड़ता हूँ और लेके चलता हूँ। गाइस अब यहाँ पे अगर इन पुलिस वाले बंदों को ख़त्म कर दोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, पुलिस कम पीछे आएगी। वेल आएगी तो सही पुलिस। गाइस हमारे ऊपर टोटल 3 पुलिस लगी हुई है, मतलब कि थर्ड लेवल की पुलिस लगी हुई है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस हम जाते हैं यहाँ सीवेज में। गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें कोई खतरा नहीं होगा, आई थिंक सो। बट ये लोग क्या चाहते क्या मुझसे, मैं लेता हूँ पुलिस वालों की गाड़ी। भाई साहब आप हमसे क्यों पंगा लेना चाहते, जब आपको पता है कि हम माइकल हैं। फिर भी हम लॉस ऑफ सेंटोस के मुन्ना भैया हैं। क्या है गाइस, हम हैं लॉस ऑफ सेंटोस के मुन्ना भैया। वेल गाइस आपको भी पता होगा मुन्ना भैया से जो भी टकराता है वो पुलिस हो जाता है, और आज वैसे इसमें भी है। आज मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ और चलता हूँ इसे फटाफट। गाइस सामने से आती है पुलिस, तो गाइस हम लोग यहाँ से लेते हैं टर्न और चले जाते हैं यहाँ पर यहाँ पे भी पुलिस आ जाएगी। गाइस ऐसी जगह चलते हैं पुलिस ना आए, तो गाइस यहाँ पे चलते हैं। हाँ गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी, और आएगी भी तो हमें ढूंढ नहीं पाएगी। हाँ गाइस, तो गाइस फाइनली हमने जो है छुड़वा लिया है अपने आप को पुलिस से और लगा दिया है फोन फ्रैंकलिन भाई को। क्विक मीट मी एट दोस ऑयल डेरिक्स जस्ट आउटसाइड टाउन एल बोरो हाइट्स and make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. तो गाइस अब मुझे बुलाना पड़ेगा मेरे ड्राइवर को ताकि वो वेल्लार लेके आ जाए। तो वेल पहले हम डेव को फोन लगा लेते हैं। Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there, something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा ड्राइवर ले आया था मेरी कार, मतलब ले आया है कार
और वो रही पुलिस वालों की कार और उसने कलर चेंज करवा दिया। काफ़ी समझदार है मेरा ड्राइवर, ठीक है नोट कीजिएगा आप, मेरा ड्राइवर बहुत समझदार है, उसने पूरी कलर गाड़ी का चेंज करवा दिया ताकि उसका बॉस जो है कहीं खतरे में ना पड़ जाए। क्योंकि हम जो प्रेसिडेंट हाउस गए थे तब हमने ली थी हमारी वल्लार और गए थे हम वाइट कलर की वल्लार में, पर अब हम जा रहे हैं ब्लैक कलर की वल्लार में बिकॉज हमारी जो गाड़ी है हमने उसको कस्टमाइज़ करवा ली ताकि वापस से जो है पुलिस हमारे पीछे ना पड़ पाए। समझ रहे हो आप हमारा इंटेंशन समझो हमारी ब्लैक वाली गाड़ी का। वेल हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, शायद सिटी से बहुत दूर आ चुके हैं हम। हाँ गाइस हम लोग सिटी से काफ़ी दूर आ चुके हैं, अब शायद हम लोग जाने वाले गांव के अंदर। हाँ ये ऑयल ऑब्जर्वेटरी आती है गांव में शायद से, मुझे देख लें तो मैप गाइस पास ही हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे, पर उससे पहले हमें डलवाना पड़ेगा पेट्रोल बिकॉज हम हमारी गाड़ियों में पेट्रोल होने नहीं देते कम। और जब तक मैं पेट्रोल भरवाता हूँ फटाफट से कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस देखते हैं किसका होता है पेट्रोल जल्दी से फुल और कौन करता है जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस आई एम वेटिंग 3, 2, 1 गो। तो गाइस आई होप आपने सबने कर दिया होगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो गाइस चलते हैं हम फटाफट से ऑयल ऑब्जर्वेटरी। गाइस थोड़ा सा उपटांग सा वर्ड लगा है मुझे तो मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है। वेल उस पर फोकस ना करते हम देखते हैं हमारे GT5। गाइस ये देखो 5 ट्रक ऑनली बता रहे हैं, हम 10 ट्रक की पावर वाली वल्ला ले आए हैं यहाँ पर। गाइस ये रहा आ गया है ऑयल ऑब्जर्वेटरी, I don't know क्या है वो। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन, अच्छा हमने फ्रैंकलिन को फ़ोन लगाया था। Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember I told you I know people? Feds who looked after me when I retired? You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown, I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. It didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. The problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood in, man? I don't know. Fuck. गाइस माइकल दादा तो जो है अभी सफाई दे रहे हैं हमारे फ्रैंकलिन को ताकि वो उसका साथ ना छोड़े। तो गाइस थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा एपिसोड नंबर 8 या 4 में कि फ्रैंकलिन जाता था माइकल दादा के पास कि यार माइकल दादा मुझे आपका असिस्टेंट बना लो, जो पास है पल चुका है। और अब जो माइकल है वो जा रहा है फ्रैंकलिन के पास। You're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. तो गाइस फ्रैंकलिन से हमारी बात हो चुकी है और वो है हमारे साथ। तो गाइस डेड मैन वॉकिंग मिशन हो गया है पास। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो
तो गाइस फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आने वाले कंटेंट के सपोर्ट के लिए जाके कमेंट कर दो कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं पढ़ता हूँ आपके हर एक के कमेंट। और प्लीज़ गाइस कोई सी भी ऐसी गंदी चीज़ आप स्पाम मत करें कमेंट में। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि आप लोग स्पाम कर देते हो, तो गाइस मत करा करो ऐसे स्पाम। तो वेल गाइस मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।